गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रानी मुंडा फ्रॉम झारखंड। दोस्तों, क्या कोई ऐसा काम है जो हमारे वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बिना एक अच्छी इनकम कर सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी बिजनेस के बारे बताने जा रही हूँ जो आप अपने काम को करते हुए, पार्ट टाइम में करते हुए एक अच्छी इनकम ले सकते हैं और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनकम बढ़ाने संबंधी वीडियो मैं लगातार बनाते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनके पास पहले से नौकरी है वो अधिक सैलरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अब सवाल है कि इनकम बढ़ाने के लिए एक साथ दो जगह नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो इनकम बढ़ेगी कैसे? क्या कोई ऐसा काम है जिसे हम नौकरी के साथ कर सकते हैं, हर कोई कर सके, जब चाहे तब कर सके, जहां कोई बॉस ना हो, जहां पैसा इन्वेस्ट करना ना पड़े और काम के हिसाब से इनकम हो? जी हाँ, ऐसी बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग में इन सभी सुविधाएं मिल जाती है। इसमें हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट्स हो या सैलरीज पर्सन हो या बिजनेसमैन है, हर कोई कर सकता है, वो भी अपने खाली समय में। दोस्तों, अभी तक हम जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखते आ रहे हैं वो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सेलिंग कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल सेलिंग कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम अंतर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेडिशनल सेल्स कॉन्सेप्ट, जिसमें किसी फैक्ट्री से निकला सामान, 40 रुपया का सामान CFF एजेंट से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर के पास पहुंचता है, और इस प्रकार हर किसी का कमीशन जुड़ते जुड़ते ये रिटेलर द्वारा ग्राहक को 100 रुपया में बेचा जाता है। इस प्रकार यहाँ ग्राहक को छोड़ के बाकी सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। मजेदार बात यह है कि यहाँ पैसा ग्राहक के जेब से निकलता है और वही कुछ कमा नहीं पाता है, बल्कि यहाँ सबकी कमाई हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में ग्राहक कमाता है कैसे, चलिए जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी किसी फैक्ट्री से निकला 40 रुपया का सामान डायरेक्ट कंपनी की शॉप के माध्यम से ग्राहक को 100 रुपया में ही बेचा जाता है। लेकिन यही पैसा 100 रुपया कंपनी के पास जब पहुंचती है तो कंपनी के पास 60 रुपया एक्स्ट्रा आ जाती है, और वही 60 रुपया कंपनी अपने ग्राहक को इनकम के रूप में देती है, और इस प्रकार ग्राहक को इनकम के रूप में ये पैसा मिलती है। और कंपनी को बिना मार्केटिंग किए हुए ग्राहक मिल जाते हैं। ग्राहक को हजारों लाखों की इनकम कैसे हो, इसके लिए कंपनी ने एक बिजनेस प्लान बनाया है। प्लान को जानने से पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले कंपनी के बारे जान लेते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 जून 2004 को स्टार्ट हुआ है। कंपनी के दो हेड ऑफिस है। कंपनी के पास 370 प्लस नेचुरल प्रोडक्ट है। अब तक 5 करोड़ लोग वेस्टीज में जुड़ चुके हैं। 1800 करोड़ टर्नओवर हो चुका है कंपनी का। 1800 करोड़ टर्नओवर है, 3000 से ज़्यादा स्टोर है, 7 देशों में कंपनी काम कर रही है, 7000 से ज़्यादा यहाँ से लोग कार अचीव कर चुके हैं क्योंकि वेस्टीज कार खरीदने की पैसा देती है। 350 से ज़्यादा लोग घर ले चुके हैं क्योंकि वेस्टीज घर खरीदने के भी पैसे देती है। हजारों लोग हर साल विदेश टूर पे जाते हैं क्योंकि वेस्टीज टूर फंड का भी पैसा देती है। आप भी वेस्टीज से अपने घर की जरूरत सामान को खरीद कर वेस्टीज में बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मिनिमम 30 PB यानी 1000 की खरीदारी करनी होती है, जिसे आपकी ID एक्टिव हो जाएगी और ये पूरी लाइफ कभी डीएक्टिवेट नहीं होगी। 1 PB मतलब 30 से 35 रुपीस का होता है। वेस्टीज में ID एक्टिव होने के बाद जब भी आप खरीदारी करते हैं तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देती है, कुछ फ्री गिफ्ट देती है और कैशबैक भी देती है। और अगर आपने ये फायदे के बाद अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बताए
और उन लोगों ने भी आपके टीम में ज्वाइन हो के वेस्टी से सामान लिए, तो उन लोगों को भी वो सभी फायदे मिलेंगे जो आपको मिले थे। लेकिन आपको कंपनी बिजनेस प्लान के हिसाब से अलग से इनकम देगी, और इस प्रकार हर आदमी अपनी टीम बनाकर अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। चलिए अब इस बिजनेस प्लान को डिटेल्स में जानते हैं। आप वेस्टीज को दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, आप कंज्यूमर के तौर पर कर सकते हैं, सेकंड, बिजनेसमैन के तौर पर कर सकते हैं। कस्टमर की तरह खरीदने का मतलब है कि आप वेस्टीज से सिर्फ सामान खरीदेंगे लेकिन अपनी टीम नहीं बनाएंगे, फिर भी आपको कंपनी चार तरह की बेनिफिट देगी। आपको हर खरीदारी पे MRP पे 10-20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 100 रुपया MRP का सामान 80 रुपया में मिला, जिससे आपको 20 रुपया का फायदा हुआ। मगर आप 2 से 18 तारीख के बीच सामान खरीदते हैं तो आपको उस समय चल रही स्कीम के तहत आपको 10% अमाउंट का सामान आपको फ्री मिलेगा। तीसरा है, आपको 5-16% कैशबैक मिलेगा नेक्स्ट मंथ इनकम के रूप में। चौथा है कि अगर आप 2 तारीख से 14 तारीख के बीच सामान खरीदते हैं तो कंपनी के कंसेंसी ऑफर के तहत चौथे महीने यानी 100 PV या 60 PV की खरीदारी करते हैं तो पांचवें महीने आपको 2500 या 1250 रुपया का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये तो फायदे मिलेंगे जब आप कंज्यूमर के रूप में काम करेंगे, लेकिन आप बिजनेस करते हैं तो यानी आप अपना खुद का टीम बनाते हैं तो कंपनी आपको 9 type of इनकम में देगी। मैं इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ सिर्फ दुकान बदलने से फायदा होगा इसके बारे बताऊंगी, और किसी को प्रमोट करने से कैसे इनकम होगी उसके बारे बताऊंगी। तो पैसा आएगा कैसे, मैं एग्जाम्पल फॉर्म में बताऊंगी। मान लेते हैं किसी फैमिली में महीने का खर्च 2000, 10000, 20000, 50000 होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए 4000 ले रही हूँ। 4000 का प्रोडक्ट परचेज किए तो कितना का फायदा हुआ, 45% का हुआ। तो यही चीज आप कुछ लोगों को बताते हैं तो मान लेते हैं महीने का 50000 से 1 लाख मिलेगा, तो आप कितने लोगों को बताएंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे, मान लेंगे। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने 10 लोगों को बताया और 4000 का ही वो परचेज किए, वो अपनी मर्जी का भी परचेज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने 10 फैमिली को रेफर किया और वो 10 फैमिली भी यहाँ से 4000 का प्रोडक्ट परचेज किए, तो लगभग यहाँ पे 40000 का टर्नओवर हुआ और वो 10 फैमिली को भी यहाँ से 45% का फायदा हुआ, तो आपका इनकम यहाँ से 4000 होगा। अगर ये फैमिली को प्रोडक्ट अच्छा लगा, बेनिफिट अच्छा लगा, तो क्या ये चुप रहेंगे, इनके भी कुछ जान पहचान वाले लोग होंगे। मान लीजिए ये 10 फैमिली भी अपने जान पहचान के 10 लोगों को बताते हैं तो 100 लोग हो जाते हैं। 100 लोगों ने भी यहाँ से 4000 का प्रोडक्ट परचेज किए तो यहाँ पे 4 लाख का टर्नओवर हुआ और आपका इनकम यहाँ पे 40000 हुआ। एक बार सोच के देखिए, 40000 इनकम एक जॉब में भी मिलना मुश्किल हो गया है। अगर आप यहाँ से 6 महीना काम कर रहे हैं और 40000 इनकम आ रही है तो अच्छी इनकम है या नहीं है। अगर आपको 40000 इनकम आएगी तो क्या 100 लोगों को नींद आएगी। ये 100 लोग 10-10 फैमिली को रेफर करते हैं तो 1000 लोग हो जाते हैं। 1000 लोगों ने भी यहाँ से 4000 का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो यहाँ पे 40 लाख का टर्नओवर होगा और आपका इनकम यहाँ से लगभग 4 लाख होगा। एक बार सोच के देखिए, महीने के 40 लाख आपके बैंक अकाउंट में गिरेगा तो आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, लग्जरी होम ले सकते हैं, लग्जरी कार ले सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। मान लेते हैं 2 साल के अंदर 40 लाख के टर्नओवर की जगह 10 लाख टर्नओवर करते हैं तो भी आपका मंथली इनकम 1 लाख आए तो एक अच्छी इनकम है या नहीं है। अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम करते हैं, 1 लाख इनकम आ सकती है, उससे ज्यादा भी आ सकती है। लेकिन आप वही चीज अगर बाहर से सामान लेंगे तो लोग पैसा कमाएंगे और आप यहाँ से लेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पे 2 चीज है, आप अगर कंज्यूमर बन के काम करना चाहते हैं तो मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, और बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ कमिटमेंट करना होगा। तो वो कमिटमेंट क्या है, आपको अपना खुद का 160 पीवी से स्टार्ट करना है, एवरी जूम मीटिंग में आना है, एवरी संडे मीटिंग अटेंड करना है, विनिंग टीम टूल्स एंड CP सब्सक्राइब करना है, ड्रेस कोड बैग लेना है, मैं आपको 1-2 बार प्लान देने के लिए सिखा दूंगी,
तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कंज्यूमर बनना है या बिजनेस करना है। मुझे उम्मीद है कि बिजनेस प्लान आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को। इस बिजनेस को आप कंज्यूमर के तौर पे या बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सपनों को पूरा करने में पूरी मदद करेगी। हमसे जुड़ने के लिए मुझे कॉल करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, उन जरूरतमंदों को शेयर करें जिनको आप मदद करना चाहते हैं, जिनका जीवन आप बदलना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे, विश यू वेल्थ।